हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स अड्डा पर। मेहरालाल चौधरी। जैसा कि अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ 2-3 दिन में। आगे अपन स्टार्ट करते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने इसके बेसिक के बता दिए थे कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। अब दर भी अपन डिफरेंट डिफरेंट दर लिए थे, ऐसे नहीं 20%, 10%, 5% इस तरह की दर भी नहीं थी। पॉइंटों में भी दर अपन ने लिए, मिश्रित भिन्न में भी अपन ने दर लिए। इसको आगे बढ़ाते हैं। अपन करते हैं, जैसे 73 दिन का ब्याज पूछ ले आपसे, 1 वर्ष 73 दिन का पूछ ले, या कंडीशन वो पढ़ेंगे जैसे अर्धवार्षिक कंडीशन हो, वार्षिक कंडीशन हो, वो वाली। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। जो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर जरूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो ही ऐसा करना है, अदरवाइज नहीं करना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना ही करना है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, पहले से बेटर फील कर रहे हो, पहले से अच्छा सीख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि हर बंदा पढ़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं पे, तो सीखा हुआ ही होता है, उससे अच्छा आपको मिल रहा है तो ही आपको ऐसे करना है। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर रहा हूँ, आज का पहला क्वेश्चन। एक बार मैं लास्ट क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उससे रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या बताया था, फिर भी आप एक बार देख लेना। 6,400 रुपए का 7.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा है। देखो मूलधन आपका कितना है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। 6,400 रुपए आपका मूलधन है, रेट आपकी 7.5% है, टाइम 2 वर्ष है। इसमें क्या पूछ सकता है आपको, मूलधन देखिए, या तो मिश्रधन पूछ सकता है या ब्याज पूछ सकता है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया आपसे, आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज। अब 7.5% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि नहीं सर याद करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंडो में आप निकाल सकते हो। अब देखो 7.5% मैं बात कर रहा हूं 15% की, इसका मान कितना होगा 15/100। 5 के बारे से मैं इसको सोल्व करता हूँ, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 3/20 आए। तो आप ये कह सकते हो कि सर 15% का आधा 7.5% है, तो इसका मान भी आधा हो जाएगा, कि 15% का मान 3/20 आया, तो 7.5 का मान इसका आधा आएगा ना। अब आधा करने के लिए 1/2 से गुणा कराना है। जैसे मैं 100 का आधा करता हूँ, 1/2 से गुणा ही तो करूंगा, तो कितना आएगा आप बोलोगे सर 50, 100 में 2 का भाग दूंगा तो। अब ऐसे में इसका आधा करूंगा 3/20 का, 1/2 से गुणा करा दिया तो कितना आ जाएगा 3/40। कटेगा तो किसी से भी नहीं है, 20/2 से गुणा हो जाएगा 3/40। कहने का मतलब यह है कि आपका 7.5% की जो वैल्यू है, 7.5% की वैल्यू वो 3/40 आ गई। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, समझ में आपके आ गया होगा। इसका मान 3/40 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आपका एक होता है मूलधन, जिसे P से डिनोट करते हैं, एक होता है मिश्रधन, जिसे A से डिनोट करते हैं। मूलधन जो आप उधार लेते हो वो राशि, या किसी को उधार देते हो। मिश्रधन वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज का एड होकर आना मिश्रधन कहलाता है। ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट इसे बोला जाता है। ये चीज है ना आपकी मूलधन की है, 40 आपका मूलधन था, ध्यान रखना ये 40 आपका मूलधन है, 3 ब्याज हो गया, तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा कि सर मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन 40 था, 3 ब्याज, मिश्रधन कितना हो जाएगा 43। 40 से 43 हर साल आपका है ना धन बढ़ेगा, इसी रेट से आगे ग्रोथ करेगा, इसी दर से बढ़ेगा हर साल। कि सर 2 साल टाइम दिया है, अगले साल भी ऐसे ही बढ़ेगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही बढ़ेगा 40 से 43। 3 साल देता तो फिर भी 40 से 43 ही बढ़ता, बट अपन 2 साल के लिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 2 साल का ही पूछा है। इसको गुणा कराना है, कुछ भी नहीं कराना, 4 4 से गुणा होगा तो 16,00, 43 43 से गुणा होगा मतलब 43 का स्क्वायर। या तो आप नॉर्मल मल्टीपल करा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, या आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो भी संख्या दे रखी है सबको गुणा में लिख दो आप, 4 × 3 × 2, ये मल्टीपल में आ गए। ठीक है, 4 × 3 × 2, अब करना क्या है, इसका स्क्वायर करो, 4 का 16, 3 का कितना 0 9, कि सर 3 का तो 9 ही होता है, 2 अंकों में लिखना होता है इसलिए 0 9। यहाँ पे 4 होता तो 4 का तो पूरा 16 आ गया, अब यहाँ पे 3 है, 3 का कितना आएगा 9, बट 2 अंकों में लिखना होता है 0 9। अब जो भी ये मान आया 4 × 3 × 2 कितना आएगा, इनको गुणा कराओगे तो 24। नीचे एक संख्या छोड़ के, नीचे एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देना है इसमें, तो ये 9, ये 4, 6 2 कितना 8, और 1 का 1 रह जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1849। ये मैं बता दूंगा आपको स्क्वायर करना, आराम से आप सीख जाओगे,
अभी के लिए इतना देख लो, सभी को मल्टीपल में ले लिया, 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का 0 नो, जो भी मल्टीपल आया नीचे एक अंक छोड़ के जोड़ दिया, आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 99 तक आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप देखते हो ये कंप्लीट वैल्यू है ना आपकी, ये मूलधन की, ये मिश्रधन की। आप बोलोगे सर ब्याज निकालना है, ब्याज कितना आएगा? आप बोलोगे सर ब्याज आ गया 1849 में से 1600 घटा दूंगा, 249 इकाई, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू तो है नहीं कि 249 ही होगा, 249 इकाई आपका ब्याज है। आपसे पूछा क्या है? ब्याज ही पूछा, क्या दे रखा है उसके बराबर वो वैल्यू रख देंगे अपन। मूलधन दे रखा है तो मूलधन को मूलधन के बराबर ही रख सकते हैं, मिश्रधन दे रखा होता तो अपन मिश्रधन के बराबर रखते, ब्याज दे रखा हो तो ब्याज को ब्याज के बराबर रखते। यहाँ पे मूलधन दे रखा है तो मूलधन आपको दे रखा है कितना, 6400, और आपके कितना आया 1600 इकाई, ये 6400 के बराबर है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 64 में मैं 16 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 16 चौक 64, थोड़े बहुत पहाड़े तो आपको याद होने चाहिए। 1 इकाई का मान कितना आ गया, 4 रुपए, मतलब 1 पेन आपका 4 रुपए का आता है। तो ब्याज कितना है, 249, 249 पेन आपको लेके आने, तो 249 को मैं अगर 400 गुणा करा देता हूँ, 9 चौक 36, 6 4 चौक 16, 3 कितना हो जाएगा 19, 4 2 8 और 1 9, ये 496 रुपया आपका क्या होगा, ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल सा क्वेश्चन था, सी आई 249 इकाई आया, मान लिया 1 इकाई का मान है, यहां से आपको निकालना पड़ेगा 1 इकाई का मान आया 4, मतलब 1 लड्डू 4 रुपए का आता है, 249 लड्डू आपको खरीदने हैं, 996 रुपए लगेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिना अपन टाइम वेस्ट करे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप पहले से अच्छा सीख रहे हो, पहले जहां पे भी पढ़ा है उनसे अच्छा मेरे से आप सीख पा रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है, अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, क्लास छोड़ के बीच में जा सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 480 रुपए का 16 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 2 से 3/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो क्या है, आपको मूलधन दे देता है क्वेश्चन में 480 रुपए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेट आपको दे दी 16 से 2/3%, ठीक है, ये आपकी रेट है, टाइम दे रखा है 2 से 3/4 वर्ष। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, पहले दर की वैल्यू निकाला करो, कभी भी आप चक्रवर्ती ब्याज, अपन क्या कर रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मूलधन देखे, दर देखे, समय देखे, आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले या मिश्रधन पूछ ले या मूलधन पूछ ले, वो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं, मैं इसको सोल्व करूंगा, इस चीज को सोल्व कर रहा हूं। देखो पहले 16 से 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 16 300 गुणा होगा तो 48, और 2 50/3% लिख सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं, अब परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, 2 बट्टे में क्या लगाऊंगा मैं, 100 का भाग, यहाँ पे 100 का भाग लग गया, 3 के पास में 100 आ जाएगा, 50 का भाग 100 में कितनी बार, 2 बार, 3 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 6, और ऊपर 1 बार, क्योंकि 50 से काटोगे 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 2 से गुणा होगा तो 6, ये 1/6 आएगा, इसका मान 1/6 आएगा। कि आप सर कहना क्या चाहते हो, आप कि आपके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि ये धन है ना कि 6 से 7 बढ़ेगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आपके अकॉर्डिंग, तो सर आप ये कहना चाहते हो कि आपका मूलधन, और ये मिश्रधन का मैं रेशो बनाता हूं कि मूलधन आपका 6 होगा तो मिश्रधन कितना होगा 7 होगा, बिल्कुल यही होगा, हर साल ऐसे ग्रोथ करेगा 6 से 7, अगले साल के लिए भी कितना 6 से 7, पर देखो टाइम कितना दिया है आपको, टाइम दिया है 2 से 3/4 वर्ष, 2 वर्ष तो पूरे दिए हैं, 3/4 वर्ष एक्स्ट्रा है, तो 3/4 वर्ष का मान निकालना पड़ेगा, ये तो पूरे साल का है, ये ध्यान रखना पूरे साल का 1/6 है, मतलब 6 से 7 पूरे साल की कहानी है, ये भी अगले 6 से 7 पूरे साल की कहानी है, एक्स्ट्रा आपको कितने का निकालना है 3/4 का, जब पूरे साल का आपको 1/6 दे रखा है तो 3/4 साल का कितना होगा, इससे गुणा करा दो, पूरे साल का मान आपको 1/6 दे रखा है तो 3/4 का कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जैसे पूरे साल का मान आपको 5 दे रखा है तो आधे का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1/2 हो जाएगा, ऐसे में गुणा कराना होता है, कुछ भी नहीं, ये 3/4 साल का मान निकल के आ रहा है, 3 के पहाड़े से 6 में भाग दिया 2 बार, 4 2 से गुणा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा 8 बार, मतलब ये 1/8 आया ना, ये ओनली फॉर इसका मान है 3/4 साल का, इसमें ये धन है ना 8 से 9 ग्रोथ करेगा, पूरे साल का नहीं है ये 3/4 साल का, इसमें ये धन 8 से 9 ग्रोथ करेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने ये समझाया ये तरीका क्या है क्या नहीं, कैसे निकाल लेते हैं अपन, 1-2 क्वेश्चन और मैं इसमें ले लूंगा।
अब मैं आप इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, तीन का भाग में इसमें तीन दुनी छह, तीन त्रिका नौ। आप बोलोगे सर यहाँ से ही डिवाइड होता था आपने, तो तिरछा अनुपात में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीन के पहाड़े में इधर भाग जा रहा है, तीन दुनी छह, ये गुणा हो जाएगा दो गुणा दो चार, और चार आठ से गुणा होगा तो बत्तीस, यहाँ पे सात गुणा सात ही बचा है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया उनचास। आपसे इसमें ब्याज पूछा है, ब्याज कितना आएगा, सी आई उनचास में से बत्तीस गया तो देखो सत्रह ही का है आपका ये ब्याज है, सत्रह ही का है। आपको दे क्या रखा है उसके बराबर वो वैल्यू रख दो, कितना देखो बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो दे रखा है उसके बराबर वैल्यू रखो, एक इकाई का मान निकाल लो, एक इकाई का मान आती जो पूछा उससे गुणा करा दो, सिंपल सा तरीका है। आप बोलोगे सर मेरे को दे रखा है मूलधन, मूलधन मेरा कितना है बत्तीस, मतलब बत्तीस इकाई का मान चार सौ अस्सी रुपए है, एक इकाई का मान निकाल लो यहां से फटाफट। अब आपको ऐसा पता होना चाहिए इस जीरो को तो मारो गोली, बत्तीस और अड़तालीस किसके पहाड़े में आते हैं। आप बोलोगे सर आठ चौक बत्तीस, आठ के पहाड़े में भी आते हैं, सोलह के पहाड़े में भी आते हैं, तो सोलह के पहाड़े में आते हैं, आठ के में भी आते हैं। आप ये करो ना कि बड़ी से बड़ी संख्या से इसको काटो, कि वो सोलह से काट दो आप, कि सोलती अड़तालीस, तीन बार गए जीरो पीछे पड़ा है, सोलह दूना बत्तीस, यहाँ पे दो इकाई बचा है, यहाँ पे तीस, फिर दो का बाद में वापस इसमें दूंगा तो क्या एक इकाई का मान पंद्रह आ जाएगा, क्या कैसा आया, दो का भाग में तीस में दूंगा तो पंद्रह बढ़ जाएगा, एक इकाई का मान आपके पास आ गया पंद्रह, मतलब एक लड्डू पंद्रह रुपए का आता है, सत्रह लड्डू आपको लेके आने, तो मैं सत्रह से गुणा करा दूंगा, सत्रह गुणा पंद्रह, सत्रह पांच से गुणा होगा तो कितना आएगा, सत्रह पंजे सॉरी पंद्रह सात से गुणा होगा, पंद्रह सात एक सौ पांच, पांच बार गया दस कैरी कर लिया, पंद्रह एक पंद्रह और दस कितना हो जाएगा पच्चीस, आपका जो ब्याज आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 255 रुपए होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हो, ये समझ में नहीं आया तो ये समझना, पूरे साल का मान एक बटे छह था तो तीन बटे चार साल का मान कितना होगा उससे गुणा करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि ऐसा कोई बंदा है रेलवे में तीन बार सेलेक्टेड है, अच्छे से मैथ पढ़ा रहा है, और जिसका बेसिक मैं कह रहा हूँ मेरे पास लेके आओ उस बंदे को, जिसको बिल्कुल मैथ से डर लगता है ना, आप यहाँ पे लेके आओ मैं सिखाऊंगा। आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करो, मैसेज करो, कमेंट में आपके मैसेज छोड़ो, मैं आप नंबर छोड़ो, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 100% मैं मेरी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आता तो उसको मैं और सुधार करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं ये समझा रहा हूँ कि समय जैसे दो से तीन बटे चार वर्ष आ जाए। अगले में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 9 महीने में मिश्रित धन 6,300 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, धन और चक्रवृद्धि ब्याज बताना। मिश्र धन आपको दे रखा है, मिश्र धन कितना दे रखा है 6,300 रुपए, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है एक वर्ष और 9 महीने, ठीक है, महीने में आठ सात कितने भी महीने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा क्या है, अब रेट देखो, आपको रेट दे दी 16 से 2/3%, ये सभी आयु क्वेश्चन में ध्यान रखना, 16 से 2/3%। आपसे पी पूछा है एक तो, और एक पूछा सी आई, दोनों बताने, मतलब मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बताने। इसका मान अभी आपने निकाला एक बटे छह होता है, जिसको नहीं पता पीछे इससे पहले क्वेश्चन कराया उसका मान देख लेना एक बार, उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि 16 से 2/3% को 1/6 कैसे लिखते हो। और ये दिमाग में बिठा लेना 1/6 वार्षिक रेट होती है, पूरे साल का मान होता है, पूरे साल का होता है, आधे का नहीं होगा। आधे का कैसे निकालोगे, 1/6 को आधे से गुणा कराओगे तो 1/12 आएगा, 1/3 साल का कैसे निकालोगे, 1/3 से गुणा करा दोगे, इस तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से निकालते हो पी और ए, आपका ग्रोथ करेगा, ये चीजें अब आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। 6 से 7, एक साल में 6 से 7 बढ़ेगा, अगले साल देखो कि एक वर्ष 9 महीने का है, 9 महीने, अब टाइम आपका यहाँ पे वर्ष में होना चाहिए, ये 9 महीने, 9 महीने को मैं वर्ष में कन्वर्ट करता हूँ, किसी भी महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है, किसी भी महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग करो, किसी भी महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है 12 से भाग करो, किसी भी दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है 365 का भाग, दो चीजें ध्यान रखना, दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करना है 365 का भाग देना है, महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है 12 से भाग देना है। मैं इसको सोल्व करता हूँ तीन के पहाड़े से, ये तीन त्रिका नौ, तीन चौक 12, 3/4 वर्ष बन गया ये, देखो 9 महीने को आप 3/4 वर्ष लिख सकते हो, पूरे साल का मान 1/6 है, पूरे साल का मान 1/6 है,
तो आप बोल सकते हो कि सर 3/4 साल का कितना हो जाएगा, गुणा करा दिया, ये साल में होनी चाहिए वैल्यू, अपन ने साल में इसको बना ली, 3 × 6 = 4 × 8 ऊपर 1 रह जाएगा, पूरे साल का मान 1/8 होगा। तो आपका धन 8 से 9 ग्रोथ करेगा, ये 9 महीने के लिए होगा, 9 महीने का मतलब 3/4 वर्ष। इसको यहाँ पे वापस सोल्व कर सकते हो, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, अब कटेगा नहीं, देखो 8 × 2 = 16 और 7 × 3 = 21, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है। ब्याज कितना होगा आप बोलोगे, सर ब्याज मेरा हो जाएगा सीआई चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे 5 इकाई हो जाएगा, बिल्कुल 5 इकाई होगा, दे क्या रखा है उसके बराबर वैल्यू रखो, आंसर निकालो कि सर मेरे को मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन कितना दे रखा है 6300, कि मिश्रधन मेरा है कितना 21 इकाई और दे कितना रखा है 6300। 21 का बाड़ा आपको मैं कह रहा हूँ, 20-22 तक आपको बाड़े याद होने चाहिए, 25-26 तक कर लो, 10-12 तक तो याद होंगे, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। 21 के पाड़े से मैं काटता हूँ 21 × 63, 3 × 00 पीछे पड़ा है, 1 इकाई का मान कितना आ गया 300 रुपए, मतलब 1 kg लड्डू मान लो 300 रुपए के आते हैं या 1 किलो गुलाब जामुन 300 रुपए के आते हैं, तो मैं पहले से आपका ब्याज निकाल देता हूँ, यहाँ पे कितना लाना है 5 किलो लाना है, 1 किलो गुलाब जामुन 300 रुपए के आते हैं तो 5 किलो गुलाब जामुन लेके आने, 5 से गुणा करा दूंगा, 300 के भाव से आएंगे तो कितने रुपए लग जाएंगे 1500 रुपए, ये तो आपका आ गया ब्याज, यह तो आपका ब्याज है। मूलधन निकालो, मूलधन कितना है आपका 16 इकाई, पी आपको निकालना 16 इकाई, वही चीज है कि एक चीज 16 इकाई निकालना है कि 1 किलो 300 रुपए का आता है तो 16 किलो कितने का आएगा, गुणाई तो कराना है, सिंपल सी चीज है, 16 300 गुणा होगा तो 48 00 चिपका दो, तो आपका मूलधन तो 4800, मिश्रधन आपको दे रखा है 6300, तो ब्याज कितना आ गया आपको 1500 1500 रुपए, बिल्कुल सिंपल चीज है, समझ में आ रही होगी आपको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दिनों पे, दिनों का कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवर्ती ब्याज 190 रुपए हो जाएगा, वो धनो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो सी आई आपको दे रखा है, सीआई आपको दे रखा है 190 रुपए, यहाँ पे समय कितना दे रखा है, देखो समय दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन, तो कंप्लीट वर्ष में ही समय होना चाहिए, रेट आपको दे दी 33 से 1/3%, पूछा क्या है। अब इनके अलावा क्या गायब है, वही आप निकाल सकते हो, एक तो मूलधन गायब है, एक मिश्रधन गायब है, ये दोनों ही निकाल सकते हो, तीसरी चीज तो, 5 चीजें तो होती है, ब्याज होगा, मूलधन होगा, मिश्रधन होगा, दर होगा और समय होगा, 3 चीजें देगा, 2 चीज पूछ लेगा या 1 चीज पूछ लेगा। 33 से 1/3% को पहले सोल्व करो, पहले दर को सोल्व किया करो, उसका मान निकाला करो, 33 × 99 एक कितना 100/3, ऐसे लिखोगे आप 100/3% इसको लिख सकते हो, 33 से 1/3%, 100 कैसे आया 33, 300 गुणा होगा 99 में एक जुड़ेगा 100/3, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा बटे में 100 का भाग, 100 से 100 कट जाएगा, इसका मान 1/3 आ जाएगा, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करते हो, दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करते हो तो 365 का भाग देते हैं, वर्ष में समय होना कंपलसरी है क्योंकि रेट आपको वार्षिक मिलते हैं, ये पूरे वर्ष की कहानी है, 1/3 पूरे वर्ष की कहानी है। पी और ए का आप रेशो बनाते हो कि आपका धन 3 से 4 ग्रोथ करेगा, एक साल में 3 से 4 तो अगले साल में भी 3 से 4 ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। 3 आपका मूलधन है, 1 ब्याज होगी इसमें जुड़ के आ जाएगा, 4 मिश्रधन बन जाएगा, मिश्रधन 4 क्यों बना, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। मैं 73 दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करता हूँ, 365 का भाग दूंगा, दिनों को वर्ष में बनाने के लिए 365 से भाग देते हैं, महीने को वर्ष में बनाने के लिए 12 से भाग देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 73 का भाग जाएगा पूरा पूरा, ये बन जाएगा 1/5 वर्ष, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, 1/5 वर्ष बन गया, पूरे साल का मान 1/3 है, पूरे वर्ष का मान 1/3 है, तो 1/5 वर्ष का कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/3 पूरे वर्ष का है तो 1/5 से मैं गुणा करा दूंगा, सॉरी 1/5 से मैं गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/15 आ जाएगा, 1/15 किसका मान आया, ये 73 दिन का आया, इट मीन 1/5 वर्ष का आया, तो ये 15 से 16 ग्रोथ करेगा, ये कितने दिन की कहानी, ये ओनली फॉर 73 दिन की कहानी है, मतलब 1/5 वर्ष आया ना, 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट किया, उसका मान है ओनली फॉर 1/5 वर्ष में 15 से 16 ये बढ़ेगा। अब कट्टे वाली संख्या दिख नहीं रही, 15 × 3 से गुणा होगा तो 45, 16 × 4 से गुणा होगा तो 64। मूलधन आपसे पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है, सीआई कितना हो जाएगा, सीआई आपका
क्वेश्चन में गिवन है और वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 इकाई। आपसे मूलधन और मिश्रधन पूछा है, मुझे एक बात बताओ 19 जो दे रखा है उसको उसके बराबर रखना है, जो दे रखा है उसको उसके बराबर रखना है। 19 इकाई आपको दे रखा है, 19 इकाई क्या है, ब्याज है, वो दे रखा है कितना 190। बार बार कह रहा हूँ जो दे रखा है उसी को उसी के बराबर रखना है। 19 से 19 कट गया, 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1 इकाई का मान 10 रुपए आ गया, 1 पेन 10 रुपए का आ गया, 1 समोसा 10 रुपए का आ गया, कुछ भी मान सकते हो। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है कि सर मूलधन तो सर 45 इकाई है, मतलब 45 इकाई है, 1 इकाई 10 की है, 1 पेन 10 रुपए का, 1 समोसा 10 का है, तो कितना लग जाएंगे 450। ऐसे मिश्रधन कितना है 64 इकाई है, वो 1 समोसा 10 रुपए का है तो 64 × 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 640। आपका मूलधन कितना 450, मिश्रधन कितना 640, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा दिया है जो दिनों में ब्याज पूछ लेता है, 1 वर्ष 73 दिन, ऐसे 2 वर्ष 73 दिन का भी आप बना सकते हो। मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है, 2 वर्ष 73 दिन वाला, ठीक है, आप लोगों की ये सोल्व करना है। अब दोस्तों देखो चक्रवर्ती ब्याज में 2 शर्तें होती है, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ 2 शर्तें पूछता है, होने में तो बहुत सारी बन सकती है। एक होती है अर्धवार्षिक जिसको 6 माही भी बोलते हैं, एक होता है त्रैमासिक जिसे 3 माही भी अपन बोल सकते हैं। 2 शर्तें होती है, एग्जामिनर बार बार इन शर्तों पर क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इतना टफ भी नहीं होते हैं, बट क्वेश्चन आते रहते हैं। कंडीशन क्या है, इन दोनों शर्तों में 2 ही चीजें चेंज होती है, दर और समय में हर बदल होता है। अर्धवार्षिक में किस दर कैसे चेंज होती है, समय कैसे चेंज होता है, त्रैमासिक में दर कैसे चेंज होती है, समय कैसे चेंज होता है, ओनली फॉर ये 2 चीजें चेंज होती है। कैसे चेंज होता है मैं आपको समझाता हूं। 2 कंडीशन कौन सी, एक तो अर्धवार्षिक, ठीक है, और एक है त्रैमासिक। अर्धवार्षिक को 6 माही भी बोला जाता है ना, त्रैमासिक, इसमें नाम से पता चल रहा है अर्धवार्षिक का मतलब आधे साल पे ब्याज लेता है। कंडीशन ये अर्धवार्षिक देगा ना, एग्जामिनर देगा, स्पेशली मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि कंडीशन शर्त अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब ये समझना, आधे वर्ष भाई मतलब 6 महीने पे वो ब्याज ले लेगा। आपने पैसा लिया 1 साल के लिए उधार, अगला बंदा 6 महीने पे ब्याज ले रहा है, मतलब 6 महीने कोई वर्ष मान रहा है वो, तो 1 साल में कितने 6 महीने, 6 महीने का जोड़ा बनेगा। आप बोलोगे सर 6 महीने 2 बार आएंगे क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो इसमें समय 2 गुना हो जाएगा। ऐसे समझना कि 6 महीने और 6 महीने मैं बात करूं, रियल में आपने 1 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया है, बट ये 6 महीने को 1 वर्ष मानेगा, तो 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, 2 वर्ष हो जाएगा। तो समय है ना, रटना नहीं है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, पहले से 2 गुना हो जाता है, जितना गुना होता है दर में उतने का ही भाग, पहले से आधी, 2 का भाग दोगे तो आधी तो होगी, दर पहले से आधी हो जाएगी। ऐसे ही अब देखो त्रैमासिक का मतलब 3 महीने को वो क्या करेगा, वर्ष मानेगा, 3 महीने पे वो अपना हिसाब कर लेगा। तो वैसे तो आपने 12 महीने मतलब 1 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया, तो अब देखो कितने साल हो गए उसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, रटना नहीं, इस तरीके से आपको याद करना है। तो समय पहले से 4 गुना, अब दर में क्या होगा, जितना गुना हुआ है उतने का ही भाग, पहले की 1/4, समझ में आ रहा होगा। देखो अर्धवार्षिक कंडीशन में समय पहले से 2 गुना, जिससे गुना हुआ दर में उसका ही भाग लगेगा, जैसे दर 10% होती है, 2 का भाग लग जाएगा, आधी हो गई ना। समय पहले से 4 गुना, इस तरीके से याद कर लेना जैसे मैंने बताया, तो 4 से भाग लग जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 10,000 रुपए का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब कंडीशन क्या हो 6 माही हो, लिखा हुआ ना शर्त 6 माही हो और रेट आपको 20% दे रखी। देखो मूलधन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 10,000 मूलधन मेरे को दे रखा है, रेट मेरे को 20% दे रखी, समय मेरे को 1.5 वर्ष दे रखा है, 1 से 1/2 वर्ष दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब मैं बोल रहा हूं कंडीशन अर्धवार्षिक है, 6 माही है, 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक है, ये शर्त है। इसमें 2 चीजें चेंज होती है, क्या चेंज होती है कि सर समय चेंज होता है, दर चेंज होती है। समय पहले से 2 गुना होगा क्योंकि 6 माही को ही वो 1 वर्ष मान लेगा, 6 महीने को, तो 1.5 वर्ष था कितना हो जाएगा 3 वर्ष,
जितना गुना हुआ उतने का ही भाग, जैसे दो गुना हुआ है इसमें दर में दो का भाग दोगे तो कितनी हो जाएगी 10%। समझ में आया, दर आधी हो गई ना पहले से। अब 10% का मान आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10/100, 1/10 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आपका जो मूलधन और मिश्रधन जो चलेगा इस तरीके से चलेगा, पहले साल में 10 से कितना हो जाएगा 11, अगले साल में भी 10 से 11, अगले साल में भी 10 से 11। 3 साल का निकाला, 3 साल का क्यों निकाला, क्योंकि वर्ष आपका कितना आया 3 वर्ष। ये बनाने के बाद इसको भूल जाना भाई, दर आधी होगी समय दोगुना होगा, फिर इसको भूल जाना, ये काम में आएगा नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में ये लग चुका अर्धवार्षिक कंडीशन में। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बन जाएगा, 10,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 10 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1000 आएगा, 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1331। देखो एक 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, 25 का क्यूब, 26 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। आपका मूलधन 1000 है, 1331 आपका क्या है मिश्रधन है, ब्याज कितना हो जाएगा, सी आई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 331 हो जाएगा, 331 इकाई जो दे रखा है वो उसके बराबर रखो। क्या दे रखा है वो उसके बराबर रखो, एक इकाई का मान निकालो। मूलधन आपको दे रखा है 10,000, आपके कितना है 1000 इकाई, यहां से एक इकाई का मान 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जो दे रखा है वो उसके बराबर रखना है, 1000 इकाई का मान, 1000 इकाई है ना मूलधन आपका, मूलधन वैसे कितना है क्वेश्चन में गिवन कितना है 10,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10 रुपए, एक समोसा 10 रुपए का आता है, 331 कितने के आएंगे। अब देखो मैं 331 में सी आई निकालता हूँ, चक्रवर्ती ब्याज निकालता हूँ, 331 इकाई निकालना है, 10 से गुणा कराऊंगा 0 चिपक जाएगा, कुछ भी नहीं करना, 3,310 रुपए आपका ब्याज आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। अर्धवार्षिक कंडीशन में दर आधी होती है, समय दोगुना होता है। एक क्वेश्चन और त्रैमासिक पे अपन ले लेते हैं, है ना, समझ में आ रही होगी ये चीज आपकी अच्छे से। एक क्वेश्चन में त्रैमासिक पे लेता हूँ, इसका आगे भी रोल आता रहेगा, अभी तो टॉपिक स्टार्ट करा है मैंने, ऐसा नहीं सर अर्धवार्षिक और वार्षिक या त्रैमासिक कंडीशन आपने समझा दी है, आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो 16,000 रुपए का 9 माह का 20% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 16,000 रुपए मूलधन है, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, साइड में लिखा हुआ है, समय आपको दे रखा है 9 महीने, दर कितनी दे रखी 20%। क्या होता है त्रैमासिक कंडीशन है, त्रैमासिक दो ही चीजें चेंज होती है क्या, कि सर एक तो समय चेंज होगा एक दर चेंज होगी। कंडीशन क्या होती है त्रैमासिक में, 3 महीने को 1 वर्ष मानता है, 1 साल में कितने महीने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर आप वैसे निकाल सकते हो, 3 महीने को ही 1 वर्ष मानेगा तो 9 महीने में कितने साल बन जाएंगे 3 साल। या आप इसको आप बोल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि सर समय पहले से 4 गुना होगा तो 9 गुना 4 कितना आ जाएगा 36 महीने, 36 महीने आया ना, समय पहले से 4 गुना, जितना समय गुना होगा उतने का दर में भाग लग जाएगा, 20 में 4 दर एक छोटा ही होगी ना, तो दर कितनी आएगी 5%। 36 महीने का मतलब आप समझते हो 12 महीने का 1 साल, 24 महीने का 2 साल, 36 महीने का कितना साल हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ ये 3 वर्ष के बराबर होगा, बिल्कुल होगा 3 वर्ष ही तो बनेगा, 36 महीने में 3 साल बनेगा। रेट 5%, 5% को क्या लिख सकते हो 5/100, 5% का मान निकाल रहा हूं मैं, 5 × 2 = 10, 5 का भाग दूंगा ना मैं इसमें, 0 एक्स्ट्रा है, 1/20 इसका मान आएगा। तो आप बोलोगे सर पी और ए का मैं रेशियो बनाता हूं तो 20 से 21 होगा, बिल्कुल होगा, फिर 20 से 21 होगा 3 साल का निकालना है, फिर 20 से 21 होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 2 × 2 × 2 मतलब 20 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 8,000 होता है और 21 का क्यूब 9,261 होता है, ये याद होना चाहिए बिल्कुल। मूलधन आपका 8,000 था, 1261 आप इसमें ब्याज आ जाएगा सी आई इकाई में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दे रखा है उसके बराबर रखो, क्या दे रखा है आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना आया आपका 8,000 इकाई आया, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16,000, एक इकाई का मान मैं निकाल लेता हूं यहां से, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 जीरो से 3 जीरो, 16 में 8 का भाग 2 बार गया, एक इकाई का मान 2 रुपए, 1261 इकाई निकालनी है, 1 पेन 2 रुपए का आता है, 1261 पेन कितने के आएंगे 2 से गुणा करा दिया, 2 एकम 2
6 × 12, 2 × 4 = 5 और 2 × 1 = 2, 2522 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी, दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन भी मैंने बता दिए। त्रैमासिक में क्या होता है, समय 4 गुना, 9 × 4 = 36, 36 महीने का मतलब महीने में था ना, 9 × 4 = 36, 36 महीने का मतलब 3 वर्ष, जितने का गुना उतने का ही दर में भाग देना है, 4 से गुना करा तो 4 का भाग दिया 5%, 5% का मान 1/20 आ गया, 20 से 21 बढ़ेगा, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21। आप यहाँ पे भी बता सकते थे 9 महीने में 3 महीने को 1 वर्ष मानेगा, तो टोटल 3 वर्ष तो आप यहाँ पे ही निकाल लिए थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2522 रुपए इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन एक यूं आता है कि हर साल दर अलग अलग हो तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, हर साल दर अलग अलग हो तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अगले टाइप में अपन अगले पार्ट में इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मिस मत करना, देखना वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं शेयर करो। अगर आपको ये तरीके मेरे तरीके पसंद आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, फायदा आप लोगों का ये। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, 25,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% दरों पे उधार लिए गए, 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5%, हर साल दर ही चेंज कर दी उसने, समझ रहे हो। पहले साल के लिए 3%, 3% को क्या लिखूं सर मैं, 3/100 लिख सकता हूं, कटेगा नहीं। दूसरे साल के लिए 4%, 4% को क्या लिखूं मैं सर, 4/100, इसको सोल्व करूंगा मैं, ये सोल्व हो जाएगा ना, भाग देता हूं देखो 4 का 1/25, ये 4% का माना गया। 5% अभी मैंने बताया 1/20 यह है। अब देखना पी और ए में मैं रिलेशन बनाता हूं, पहले साल 100 था, 3 ब्याज मिलेगा, 103 हो जाएगा, ये पहले साल की कहानी है, क्योंकि पहले साल के लिए ये रहेगा, पहले साल का मान 3/100 है, दूसरे साल का मान 1/25 है, मतलब 25 से कितना होगा ये 26 होगा, तीसरे साल 1/20 है, मतलब 20 से कितना होगा 21 होगा। ये इसमें कैलकुलेशन है, ये आपको करनी पड़ेगी, इजी में बना दूंगा। अब ये कट रहा है तो काट लो, मैं 2 के पहाड़े से काटता हूं 13 बार और ये 10 बार, इसी को क्यों काटा मैं, अगर इसका देखो 50 कर देता तो गुणा कराने में थोड़ा सा टाइम लगता। अब 25 तो यहां पे लिख दिया, 1, 2, 3 जीरो एक्स्ट्रा आएंगे उसके साथ, क्योंकि ये गुणा होकर आ जाएगा, 25,000 आ गया। इसको गुणा कराता हूं मैं, 103 13 से गुणा होगा, 13 × 39 13 × 13 तो इसका गुणा आएगा 1349। देखो 103 13 से गुणा होगा, 13 × 39 13 × 13, अब 21 से गुणा कराना पड़ेगा। आप ऐसे गुणा करा लो, आराम से करा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ट्रिक बिल्कुल भी आपकी यूज नहीं करनी, आप ट्रिक सीख भी जाते हो तो ऐसे गुणा कराते हो, अपनी आदत पड़ी हुई है बचपन से, तो वही लेके चलते हैं अपन। 9 × 9 = 3 × 3 फटाफट करा सकते हो, कोई बड़ी चीज है, 9 × 2 = 18, 3 × 2 = 6, 7 × 3 = 2 तो ये 9, 11 हो जाएगा, 7 × 1 = 8 तो 28,119। ये आपका क्या है, मिश्रधन आया। ब्याज पूछा है सर ब्याज कितना होगा सीआई, कि सर मैं 28,119 में से 25,000 घटा देता हूं तो 119 रुपए बचेगा, ये तो बचा, रुपए में नहीं आएगा इकाई में आएगा, ये इकाई आपका ब्याज रहेगा। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, जो दे रखा है उसके बराबर रख दो, क्या दे रखा है आपको, अब बोलो कि सब मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है मूलधन आपको, दे रखा 25,000 ही दे रखा है देखो क्वेश्चन में, तो आपको एक इकाई का मान एक ही आएगा, तो 25,000 मूलधन है तो मिश्रधन 28,119, तो ब्याज भी 3,119 ही आ जाएगा, क्योंकि 25,000 देखो आपका इकाई में भी 25,000 है और वैसे भी 25,000 है, 25,000 से 25,000 कट जाएगा, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा एक आ जाएगा। अब मैं 3119 को गुणा कराऊंगा एक से तो 3119 ही आएगा, मतलब ब्याज आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 3119 रुपए ही आने वाला है, ये आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, अभी भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है मेरा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी मेहनत मेरी आप लोगों के साथ है। इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ चाहते हो कि सर और इजी तरीके से बताओ, वैसे मैंने जहां तक हो सकता है इजी से बता रहा हूँ, बिल्कुल जिसका बेसिक भी क्लियर नहीं होगा वो भी बंदा सीख सकता है। ठीक है,
और आज एक न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। वो भी आप देखिए, उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। साथ में दो टॉपिक लेके चलते हैं तो सिलेबस होने में क्या होगी, सहूलियत होगी। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही।